नमस्कार, मैं हूं सोनिका। तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है, लेकिन दो बिलों की वजह से जो विवाद खड़ा हुआ थमने का नाम नहीं ले रहा। भूमि अधिग्रहण बिल के साथ साथ एपीएमसी कानून में बदलाव से किसानों के साथ साथ व्यापारियों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक में न सिर्फ किसानों से सीधे सीधे व्यापारी जमीन खरीद सकते हैं, बल्कि अब किसान एपीएमसी के बाहर अनाज और दूसरे उत्पादन बगैर किसी रोक टोक से बेच पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। बंगलुरु शहर के बीचों बीच यशवंत शहर के सरकारी मंडी में काम कर रहे कूली से लेकर कारोबारी अंदेशे में है कि कई नए एपीएमसी कानून से यार्ड बंद तो नहीं हो जाएगा। इस मंडी में 3000 कूलियों सहित लगभग 5000 लोग काम करते हैं। एपीएमसी संशोधन बिल विधानसभा में पहले ही पास हो गया था। इस बार परिषद में पास करवाने में मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा कामयाब रहे। इसके बाद अब व्यापारी किसानों से सीधे उनके उत्पाद को खरीद सकेंगे। कर्नाटक में 163 एपीएमसी यार्ड्स हैं, जिनसे सरकार को भी हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। यार्ड्स में व्यापार कम होगा तो ये आमदनी भी कम होगी।